दोस्तों वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री मैच लाइव मोबाइल में कैसे देखो, कौन सा एप्लीकेशन है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग आने वाला है वो भी फ्री में और काफ़ी सारी लैंग्वेज में आने वाला है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, मलयालम जैसी लैंग्वेज शामिल है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिस पर आपको बताया गया कि फ्री में देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐप बंद ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये ऐप के बारे में बताने वाला और डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल की मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहेंगे उधर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई देगा जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। तो आपको किधर क्लिक करना है, क्रिकेट पर क्लिक करना है, और क्रिकेट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो काफ़ी सारे मैचेस आपके सामने नज़र आने लग जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का लाइव मैच। तो जैसे कि आप तीसरा आपको स्टेप कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, इंग्लिश लाइव एचडी, हिंदी लाइव एचडी, तमिल लाइव एचडी। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये तीन स्टेप फॉलो करना है। जैसे ही आप तीन स्टेप फॉलो करने के बाद आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में आराम से देख सकते हो। वैसे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों सोनी लिव ऐप है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग आने वाला है। अगर आपने 299 रुपीस का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो फिर इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप आराम से देख सकते हो, फ्री ऐप की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। और अगर आपको टीवी में हिंदी में देखना है तो सोनी 10.3 HD चैनल पर लाइव हिंदी स्ट्रीमिंग होने वाला है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतने वाली है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता